स्वतंत्रता के 77वें दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें जवाहर नगर जो हमारा सैटेलाइट क्लिनिक है, बॉम्बे वाला हॉस्पिटल है, वहाँ पर ध्वजारोहण किया गया। मुख्य कार्यक्रम राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के मुख्य प्रांगण में हुआ, जहाँ पर ध्वजारोहण किया गया एवं यहाँ पर छात्रों के द्वारा, कर्मचारियों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा और हमारे जितने सैनिक बंधु वहाँ पर जो सुरक्षा प्रहरी के रूप में कार्यरत हैं उनके द्वारा प्रस्तुतियाँ दी गई। कार्यक्रम का प्रारंभ 1 मार्च से हुआ, परेड का निरीक्षण ने किया और उसके बाद रंगारंग कार्यक्रम किए। और सारे कार्यक्रम का जो आधार था वो देशभक्ति था, जो हमारे शहीदों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इस देश के लिए योगदान दिया है, अपने प्राणों को न्यौछावर किया है, उन सब का मंचन और काव्य से और गायन के द्वारा, छात्रों के द्वारा और कर्मचारियों के द्वारा प्रस्तुत किया गया। बहुत ही मार्मिक प्रस्तुतियाँ जो दी गई और ऐसे कार्यक्रम संस्थानों में होने चाहिए ताकि बच्चे या जो छात्र हैं, कर्मचारी हैं, संस्थान से जुड़ें, देश से जुड़ें, अपने देश की संस्कृति से जुड़ें और अपने हम स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों और जो सैनिक हमारे लिए सीमा पर खड़े हैं और बाहर के खतरों को या अंदर से भी जो खतरे हैं उनको झेल रहे हैं, उनके कारण ही हम चैन की सांस लेते हैं, उन सब के लिए आज कार्यक्रम यहाँ पर किया गया। और बहुत ही सफलतापूर्ण ये कार्यक्रम रहा, लगभग 3-3.5 घंटे का कार्यक्रम था। इसमें पूरे संस्थान से सभी कर्मचारियों ने, सभी अधिकारियों ने, सभी प्राध्यापकों ने, छात्रों ने भाग लिया। ये मुझे बहुत प्रसन्नता की बात है कि सारे वर्ग इस कार्यक्रम से जुड़े।